व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं कुड़पू टेंपल जा रहा हूँ। सो फिलहाल मैं अभी निकल रहा हूँ कुड़पू टेंपल के लिए, तो मिलता है गाइस। फाइनली कार पार्क कर दिया मैंने यहाँ पर, अभी यहाँ से निकल रहा हूँ टेंपल के लिए। सो गाइस, मैं पैर में पानी डालने जा रहा हूँ। मंदिर जाने से पहले पैर को वॉश करके थोड़ा शुद्ध होना ज़रूरी है, तो उधर ही टेंपल का ही पानी है जिसमें पैर को गीला करके पानी डाला जाता है। सो ऑफरिंग्स के लिए मैंने दीप ऑयल भगवान के लिए पत्ती के लिए लिया था, और ये था एंट्री कुड़पू टेंपल के लिए। सो देख सकते हो गाइस, मस्त भगवान का दर्शन करते हुए, देखो टिक्का भी दिख सकता है तुमको। तो मस्त दर्शन करते हुए मैं निकला था कोरागज्जा टेंपल के थे। सो कुड़पू टेंपल से वामनजूर का कुछ 5 मिनट का रास्ता है, 2-3 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से मैं कोरागज्जा टेंपल में गया। सो हमने अज्जा को ऑफरिंग्स में पान और चकली और ये रेड रोज अपना ही है, और अगरबत्ती और तेल दिया अपने तरफ से। और ये है अज्जा, कोरागज्जा का मूर्ति। गाइस फाइनली आई रीच्ड होम। सो आगे के ब्लॉग में देखते क्या होता है। सो मिलता है, मस्त मंदिर विंदिर जाके आ गया और घर पहुंच गया मैं। देखते हैं आगे के व्लॉग में क्या होता है। मेरी माँ मस्त नीर डोसा बना रही थी, सो मैं सोचा इसको भी व्लॉग में ले लूँ। और ये रहा मेरा रागी, जो मैं हेल्दी डाइट खाता हूँ। दूध भी गरम कर रही थी मेरी माँ। सो ये था डोसा जो गरम हो रहा था, मसल डोसा। सो इसका ऑल ओवर प्रोसेस दिखाना चाहूँगा। ये आटा है जिसके थ्रू डोसा बना जाता है। चटनी के लिए मेरी नमा नारियल पीस रही थी, सो उसको भी मैंने सोचा व्लॉग में ले लूँ। देखो कैसा नारियल पीसा जाता है मैंगलोरियंस में। और यहाँ से हम आए जॉर्डन भाई को देखने। ये है जॉर्डन का केज, और जॉर्डन को फ़िलहाल मैं अभी इधर रखा जा रहा है। सो गाइस, दिस इज़ दी ऑल ओवर प्रोसेस हाउ टू मेक मसल डोसा। सो अनियन को तो ये तो चाकू से शॉर्टकट उस पर घुमा के डोसा को इसके ऊपर देखो ऐसा मस्त नीर डोसा को डाला जाता है, और उसको बंद करके रखते हैं फॉर। ये रहा मेरा रागी का जो मैं एवरी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग पीता हूँ। मस्त पिया, मस्त था, मस्त गरम गरम था, तो फूक फूक के पीना पड़ रहा था। ये रहा अपना नीर डोसा विद चटनी, मस्त फुल सेक्सी हुआ था, मज़ा आ गया। 4 से 5 डोसा खा लिया मैं। नीर डोसा रहेगा तो कितना भी खा लो, कमी है। और ये रहा मैं खा रहा हूँ मस्त फुल मज़े में। सो ये था शेरू का खाना, जो दोपहर का खाना है। जॉर्डन उधर भी घोड़े जैसा इधर उधर घूम रहा है, तो मैं जा रहा था जो अपना शेरू को खाना देने के लिए। सो उसमें जॉर्डन का खाना मिक्स किया था क्योंकि आज वेज था, तो मैंने बोला चलो इसको भी खा लेने दो। तो ये तो चावल खाता है, तो इसको मस्त मिक्स करके अपना जॉर्डन का खाना भी उसको मिक्स करके दिया। और ये रहा अपना शेरू फुल काल्या। अब मैं रुकूंगा तब तक खाएगा नहीं, इससे अच्छा कि मैं निकलूं। तो मैं यहाँ से निकला और यहाँ भाई जॉर्डन भाई का खाना तैयार हो रहा था। नमस्ते
जॉर्डन भाई का प्लेट उठाते उसका पता चल जाता है खाने के लिए, तो खाना प्लेट उसका उठा के अभी उसके ऊपर खाना डालने वाला था। सो अभी जॉर्डन का खाना, ये अपना रॉयल कैनन का फूड है जो जॉर्डन के लिए स्पेशली लाया है। तो अभी इसका मैं 3 मुट्ठी डालूँगा उसमें, और उसी के साथ मिक्स करते हुए जॉर्डन का जो दवाई है वो भी मिक्स करूँगा, ये अपना उसके बोन के लिए ताकि उसका बोन कड़क रहे। तो वो वाला भी मिक्स कर दिया, पिंक कलर का जो गिरा हुआ लिक्विड है वो उसके बोन के लिए। और इसी के साथ ये जॉर्डन का और शेरू का सब स्नैक्स है जो यहाँ पर सेट करके रखा था। सो मैंने सोचा कि कर्ड भी दे दूँ जॉर्डन को, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो उसके रॉयल कैनन फड के साथ उसको कर्ड मिक्स करके दिया, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कर्ड डाला जो बचा हुआ था, और भी था पड़ा था लेकिन थोड़ा ही कर्ड यूज़ किया और वाटर यूज़ किया। खाना डाल के रखा था भाई, तड़प रहा था, देखो पूछो मत, इतना तड़प रहा था। उसी के साथ मैंने थोड़ा वो गिल्ला होके थोड़ा नरम होए उसका फुट करके उसको पानी डाल के रखा था 2-3 मिनट के लिए, और उसी के साथ उसको डायरेक्ट जैसे उसको खाना उधर रखा, घपा घप, पूछो मत, डायरेक्ट अटैक, रुकना भी नहीं, सुनना भी नहीं, सीधा खाना स्टार्ट। शाम का वक्त था, मेरी माँ ने खाने के लिए लाया था ये पूड़ी और ये बनाना का कुछ है। सो खाया मस्त दबा के, और उसी के साथ रात का खाना भी आ गया था। आज चिकन कबाब पार्सल लिया था, ये खाने में आज था बनाना पूड़ी और गोली बजे करके बोला है। सो ये दो ऑर्डर किया था, और कबाब भी लेके आया था चिकन कबाब, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रहा था। सो गाइस, ये रहा चिकन कबाब, मस्त फुल चिकन कबाब खाया, 2 स्लाइसेस ऑफ कबाब आई टक, मज़ा आ गया फुल सांभर के साथ। और इसी के साथ रात का खाना भी सेट, और लास्ट में अपना आइसक्रीम खाना था। तो आज मैंने सोचा चलो जॉर्डन को भी आज आइसक्रीम दे। सो जॉर्डन भाई को बुलाया, और जॉर्डन भाई इन वन शॉट डायरेक्ट आइसक्रीम खाने लगते, उसको तो मालूम भी नहीं क्या होता है आइसक्रीम। सो भाई को खिला दिया और एक ही शॉट पे खाना खत्म। सो मिलते हैं गाइस, करता हूँ, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग पे। गाइस डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जल्दी ही मिलते हैं अगले व्लॉग पे गाइस।